मिंगी के पास से बदबू आ रही है। यू नो गाइस, ये बदबू मुझसे नहीं आ रही है। हाँ, तुमसे ही आ रही है। नहीं, ये बदबू मुझसे नहीं आ रही है, ये बदबू शाम से आ रही है। क्या सच में? हाँ गाइस, आज से हम सब शाम को स्टिंकी शाम बुलाएंगे। स्टिंकी शाम। हैप्पी बर्थडे मिंकी, ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। थैंक यू बॉयफ्रेंड नंबर वन। बेब, हैप्पी बर्थडे, ये लो तुम्हारा गिफ्ट। तुम्हें भी थैंक यू बॉयफ्रेंड नंबर टू। क्या तुम्हारे दो बॉयफ्रेंड्स हैं? हाँ। तुम एक टाइम पे दो बॉयफ्रेंड्स नहीं रख सकती, उसे चीटिंग कहते हैं। हाँ, हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। वो देखो रोहन आ रहा है। हाय रोहन। हाय मिंकी। ओ हाय रिया, आज तुम काफी प्रीटी लग रही हो। थैंक यू रोहन। मिंकी, क्या तुमने मेरे बाल काटे? ओप्स, मुझे लगा कि मैंने अपने हाथों में झाड़ू पकड़ी हुई है। मिंकी, क्लास प्रोजेक्ट के लिए हम एक ही ग्रुप में हैं, तो तुम्हें भी इसे कंप्लीट करने में मेरी ओप्स लगता है तुमने अपनी बुक्स गिरा दी। जाओ जाओ, जाकर उसे उठाओ। यू नो व्हाट, मैं बहुत खुश हूँ कि इस साल तुम एलिमिनेट हो जाओगी। एलिमिनेट हो जाऊंगी? तुम्हारा मतलब क्या है? हाँ, न्यू ईयर होने से पहले जो कोई भी नाइस लिस्ट में नहीं हुआ उसका गेम ओवर। ओ माय गॉड, मुझे बहुत पता है। जल्दी से उसे फेंको। बट क्यों? जरा एक बार अपना कलर देखो। बाल बाल बची। मिंकी, तुम किसी भी चीज को टच नहीं कर सकती, पकड़ नहीं सकती, खा नहीं सकती, पी नहीं सकती जो पिंक कलर की ना हो। मुझे पता है, बस मैंने ध्यान नहीं दिया। तो तुम्हें थोड़ा और केयरफुल रहना होगा। क्या तुम फ्रेंच फ्राइज खा रहे हो? हाँ, क्योंकि मुझे गोल्डन कलर मिला है। मुझे तुमसे बहुत जलन हो रही है, मैं तो भूख से मरी जाऊंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे इजीली पिंक फूड मिलेगा। तो मिंकी, तुम सैमन खा सकती हो। ईयू, मैं वेजिटेरियन हूँ रिया। तो तुम स्ट्रॉबेरीज खा सकती हो। स्ट्रॉबेरीज रेड होती है रिया। मिंकी, मेरे पास एक आइडिया है, तुम स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक पी सकती हो। तो तुम कहना चाहती हो कि मुझे पूरे साल शेक पी के सर्वाइव करना होगा? क्या तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन है? कैसा रहेगा अगर मैं सारे खाने को पिंक कलर का कर दूं? तो तुम ऐसा नहीं कर सकती मिंकी, ये रूल्स के खिलाफ है। क्लास, सब लोग अपनी नोटबुक्स निकालो। ओ नो, मेरे पास तो सिर्फ ब्लैक पेन है। ये लो, तुम इससे लिखो। पर ये आईलाइनर है रिया। तो क्या हुआ, कम से कम तुम इसे लिख तो सकती हो ना। मिंकी, जब तक मैं वॉशरूम से बाहर नहीं आ जाती तब तक तुम मेरा बैग संभाल सकती हो? हाँ, क्यों नहीं। बस बहुत हुआ, मुझे कुछ खाने की जरूरत है। यहाँ पर दो कान क्यों हैं और इस बटन से क्या होगा? मिंकी, मैंने रात का खाना बना के फ्रिज में रख दिया है, आज ऑफिस से आने में मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा। मम्मी, मुझे आपकी आवाज़ सुनाई क्यों नहीं दे रही है? ओह, तो तुमने अपने कानों को बंद करके रखा है। चलो इसी बहाने मैं तुम्हें बता देती हूँ कि तुम मेरी रियल बेटी नहीं हो, मैंने तुम्हें किडनैप किया। क्या कहा आपने? कुछ भी नहीं बेटा। अच्छा, मैं जा रही हूँ, बाय, लव यू। हाय लूजर मिंकी। हाय शेमड़े राहुल। तू शेमड़ी, अब चल मुझे अपने सारे पैसे दे, वरना मैं सबको बता दूंगा कि तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ नहीं रहे। अरे, मुझे अपनी आवाज़ सुनाई क्यों नहीं दे रही है? अरे वाह, तुम अपने साथ साथ दूसरों के भी कान बंद कर सकती हो। ए मिंकी, जरूर तुमने ही कुछ किया होगा, मुझे कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा है? ओप्स, मुझे जाना होगा, बाय। तो न्यूयॉर्क का ऑपोजिट हुआ ओल्ड यॉर्क, और इसीलिए कहते हैं कि अरे यार, ये टिड्डे सर की क्लास कितनी बोरिंग है, मैं इनका लेक्चर और नहीं सुन सकती। हाँ, फाइनली शांति और सुकून। स्टूडेंट, जल्दी से सब बाहर भागो, स्कूल में आग लगी है। हाँ, ये सब कहाँ चले गए? Oh no! ये तुम क्या कर रही हो मिंकी, वो खाने की चीज नहीं है। पर इसमें से वनीला की स्मेल आ रही है। गेस द मैजिक वर्ड। पर मैं ऐसा क्यों करूं? अगर तुमने वो वर्ड सही गेस किया तो तुम अपने सोलमेट से मिल पाओगी, पर ऐसा करने के लिए तुम्हें सिर्फ 3 चांसेस मिलते हैं और तुम्हें कुछ हिंट्स भी मिलेंगे। मुझे किसी हिंट की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि मुझे ये वर्ड पता है। ओह रियली? हाँ, तो वो मैजिक वर्ड होगा पास्ता। क्या तुम्हें क्यों लगता है कि वो मैजिक वर्ड पास्ता होगा? क्या ये गलत था? हाँ, तो गलत ही होगा ना, तुमने कितना स्टूपिड गेस किया है। पर मुझे पास्ता पसंद है। क्या वहाँ पर ये लिखा है कि तुम अपनी पसंद और नापसंद बताओ? पागलपन बंद करो और चुपचाप वहाँ पे मिले हुए हिंट्स का यूज करो। इसका कहना है कि वो वर्ड ओ से शुरू होता है। ठीक है, तो अब तुम कोई सिंपल सा वर्ड सोचो, जैसे कि ओवल। और अगर ये आउल हुआ तो? मुझे नहीं लगता कि ये मैजिक वर्ड आउल होगा। मुझे पता है कि वर्ड कौन सा है। कौन सा? ओ माय गॉड, मिंकी क्या तुम पागल हो गई हो? ये प्रॉपर वर्ड्स भी नहीं है, क्या तुम्हें उसका मतलब भी पता है? नहीं। फिर तुमने उसे गैस ही क्यों किया? मुझे नहीं पता, मुझे बस लगा कि ये वर्ड कूल है। मैं पागल होने वाली हूँ। तो तुम्हारा नेक्स्ट हिंट क्या है? बॉडी ऑफ वाटर। कम ऑन मिंकी, तुम्हें इसका आंसर देना ही होगा, ये कितना इजी है, एक बॉडी ऑफ वाटर जो लेटर ओ से शुरू होता है। कम ऑन। ओ माय गॉड, यहाँ टाइमर क्यों स्टार्ट हो गया? मम्मी, ये सुपर फूड क्या होता है? मिंकी बेटा, तुम्हारा सुपर फूड तुम्हें एक पावर देगा, पर एक बात का ध्यान रखना है, जैसे ही तुम अपने सुपर फूड को खाकर खत्म कर दोगी तुम्हारी पावर्स भी उसके साथ खत्म हो जाएगी। ओ माय गॉड, मुझे वाटरमेलन का एक स्लाइस मिला है, ये कितना मीठा मिंकी है। खबरदार, जो तुमने अपने सुपर फूड को फालतू में खाया तो अंबानी पक्का ना तुम इन पैसों को लौटा दोगी। हाँ मिंकी, फिलहाल मुझे बहुत तेज भूख लगी है। ठीक है, यस, थैंक यू सो मच मिंकी। इन पैसों को लौटाने की कोई जरूरत नहीं है, आज हम दोनों पक्की सहेलियाँ। मेरा सुपर फूड अदरक है। तुम्हारा सुपर फूड थोड़ा अजीब नहीं है आयशा? वेल, मुझे ये पसंद है क्योंकि ये मुझे सुपर स्पीड की पावर देता है। आई विश मेरा सुपर फूड अदरक होता। रिया, ये न्यू स्टूडेंट कितना क्यूट है ना। हाँ, वो क्यूट तो है, पर तुम्हारा उसके साथ कोई चांस नहीं है मिंकी। और मैंने सुना है कि वो आयशा को लाइक करता है। पतिदेव। मिंकी, मैंने सुना है कि तुम अपने सुपर फूड से लोगों का फ्यूचर देख सकती हो, तो क्या तुम प्लीज मेरा फ्यूचर देख के बता सकती हो? तुम फ्यूचर में बेरोजगार होने वाले हो राहुल, मुझे राहुल के लिए बहुत बुरा लग रहा है। आउच, ए तो अंधी है क्या? तुम कौन हो? मैं हूँ शनाया मिंकी शर्मा। क्या?
हाँ मेरी बेटी। मम्मी चलिए मेरे साथ, आप बहुत बड़ी मुसीबत में। मुझे एक पेन मिल सकती है या एक न्यू कार? ऑफ कोर्स मैं एक कार चूज करूंगी। नहीं मिंकी, उस पेन को चूज करो। पर मम्मी मुझे कार चाहिए। मिंकी मैंने कहा ना पेन चूज करो। ठीक है मिंकी, ये देखो तुम्हारी पेन आ गई। हाँ इस पेन में ऐसा क्या खास है, ये तो बस एक मामूली पेन है। चुप रहो, तुम बस ये कॉपी लो और जल्दी से मेरे लिए इसमें कुछ ड्रॉ करो। पर मम्मी मैं आपके लिए क्या ड्रॉ करूँ? पैसे। हाँ तुम मेरे लिए 500 की नोट ड्रॉ करो। मम्मी आप कुछ भी बोल रही हैं, पर ठीक है। ठीक है मम्मी, मैंने आपके पैसे ड्रॉ कर दिए, अब आ गया। वो देखो बेटा, ये वही पैसे हैं जो तुमने ड्रॉ किया। ओ माय गॉड, इसका मतलब है जो भी चीज मैं ड्रॉ करूंगी वो मेरे पास आ जाएगा। हाँ मिंकी। वाओ, अब तो मैं अपने लिए कार ड्रॉ करूंगी। रुक जाओ, सेल्फिश मत बनो मिंकी। इससे पहले कि तुम कुछ अपने लिए ड्रॉ करो, मुझे बहुत सारी चीजों की जरूरत है। ठीक है मम्मी, ये रहा आपका सोने का ताज। यस, मैं अभी व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल के आती हूँ, और जब तक मैं वापस ना आऊँ तुम अपने लिए कुछ भी ड्रॉ मत करना। ओके मम्मी। फाइनली मम्मी ने मुझे अकेला छोड़ दिया, अब मैं अपने लिए एक ऐसी चीज ड्रॉ करूंगी जो कोई सोच भी नहीं सकता। रॉक पेपर सी। ओह नो, मेरे सर के ऊपर एक वर्ड आया। ओह नो, मुझे भी सेम वर्ड मिला है मिंकी। तुम दोनों को इस वर्ड को अपनी इंट्यूशन की हेल्प से कंप्लीट करना होगा। सिस्टम के 3 की काउंटिंग पे अगर तुम दोनों ने वो सेम वर्ड एक साथ नहीं बोला तो तुम दोनों अर्थ से बाय बाय हो जाओगे। और हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम दोनों जो वर्ड बोलो उसका कोई सेंस बनता है या नहीं, फर्क बस इस बात से पड़ता है कि तुम दोनों जो वर्ड बोलो वो सेम होना चाहिए। ओके टीमी, क्या तुम रेडी हो? 3, 2, 1 मंकी। हाँ मंकी। यस, हमने कर दिखाया। पिंकी हम दोनों बिल्कुल ट्विन्स के जैसे हैं। यस टिमी, हम दोनों एक दूसरे का माइंड रीड कर सकते हैं, ये कितना कूल है। पॉप ब्लैंक पिंकी। हाँ तुम समझ गई ना मिंकी? हाँ टिमी मैं समझ गई। 3, 2, 1 पॉपुलर। ओह नो टिमी, हम दोनों फेल हो गए। अब तुम दोनों का एक टेस्ट होगा, जिसने मेरे क्वेश्चन का सबसे पहले सही आंसर दिया वो ही इस गेम में सरवाइव करेगा। मैं लोगों की सबसे अच्छी मेमोरी देख सकती हूँ या उनकी सबसे बुरी मेमोरी? मैं लोगों की वर्स्ट मेमोरी देखना चाहती हूँ ताकि मैं उन्हें ज्यादा अच्छे से समझ सकूं। मम्मी क्या आप मेरे साथ पार्क में वॉक करने चलेंगी? नहीं नहीं मिंकी, मैं यहीं ठीक हूँ। उस पार्क में कितने बड़े बड़े कुत्ते होंगे। तो क्या हुआ मम्मी, आपको कुत्तों से क्या प्रॉब्लम है? क्या बचपन में मम्मी को कुत्तों ने दौड़ा लिया था? जरूर मम्मी ने उन कुत्तों को परेशान किया होगा। हेलो रिया, मैं कब से पार्क में तुम्हारा वेट कर रही हूँ, तुम कहाँ हो? सॉरी मिंकी मैं नहीं आ पाऊंगी, तुम्हें तो पता है ना कि मैं अभी अभी अडॉप्ट हुई हूँ, तो मैं अपने न्यू पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, फिर मैं तुमसे कल स्कूल में मिलती हूँ, बाय। चलो बच्चों सब लोग अपनी अटेंडेंस लगवाओ। मिंकी प्रेजेंट सर। रॉकी प्रेजेंट सर। रिया। रिया प्रेजेंट सर, लेट आने के लिए सॉरी सर। रिया तुम्हें चोट कैसे लगी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ ये चोट वो कल मैं स्कूटी चलाते हुए गिर गई थी। रिया के न्यू पेरेंट्स उसे टॉर्चर करते हैं। रिया हमें पुलिस को कॉल करना होगा। हाँ मम्मा, ये हकमेरी खेल क्या है? मिंकी बेटा ये एक गेम है, तुम्हारे सर के ऊपर एक नाम आएगा और तुम्हें चूज करना होगा कि तुम उस इंसान को हक करना चाहती हो, उससे शादी करना चाहती हो या उसे मारना चाहती हो। हक मैरी किल रिया? रिया मेरी बेस्ट फ्रेंड है इसलिए मैं उसे हक करूंगी। मिंकी मैं आ गई। रिया बच्चों सब लोग अपना होमवर्क सबमिट करो। यस सर। हाँ मेरा होमवर्क कहाँ गया? मिंकी सॉरी टिड्डे सर, लगता है मैं अपनी होमवर्क कॉपी अपने घर पर ही भूल गई। मैं तुम्हारे पेरेंट्स को कंप्लेन कर रहा हूँ, उनका साइन लेकर आना। पर ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने अपना होमवर्क। ओए मिंकी क्या तुम इसे ढूंढ रही हो? करण तो तुमने मेरे बैग से मेरी कॉपी निकाली थी, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारी वजह से मैं कितनी बड़ी प्रॉब्लम में आ गई हूँ। क्योंकि मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो। हक मैरी किल करण, मुझे हमेशा इसका पछतावा रहेगा। I'm sorry मिंकी, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे प्यार में इतनी पागल हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? एओ ये बस मेरी मजबूरी थी। हक मैरी किल राहुल, मुझे नहीं पता कि ये कौन है, सॉरी राहुल। टीमी मैं इस घर में हूँ, जल्दी और मुझे रिवाइव करो, कम ऑन टीमी जल्दी करो। रुको मिंकी, मेरे सोलमेट का गिफ्ट आया है, क्या मुझे उसकी लिपस्टिक रखनी चाहिए या सेल कर देनी चाहिए? टीमी क्या तुम लिपस्टिक लगाते हो? नहीं नहीं मैं इसे सेल कर रहा हूँ। मिंकी क्या तुम्हारे सोलमेट का गिफ्ट अभी तक नहीं आया? नहीं। ओ आ गया। हाँ उसके मोजे। एओ मैं इसे अपने पास नहीं रखने वाली, आई होप वो नेक्स्ट टाइम कोई ढंग की चीज भेजे। ओ माय गॉड रिया तुम्हारी हुडी कितनी कूल है, तुमने ये कहाँ से ली? ये हुडी मेरे सोलमेट की है और जब तक मैं उससे मिल नहीं जाती तब तक मैं इसे पहन के रखूंगी ताकि मैं उसे आसानी से। वाओ तुम कितनी लकी हो, और एक मेरे सोलमेट को देखो, उसने मुझे अपने बदबूदार मोजे भेजे थे। एओ एक सांप। हाँ ये लड़का मुझसे किस जन्म की दुश्मनी निकाल रहा है। वेल मैं इसे सेल करूंगी। एक मैजिक वॉन्ड, ठीक है मैं इसे ले सकती हूँ। हाँ ये काम कैसे करेगा, ये काम कैसे करेगा ये जानने के लिए अपने सोलमेट से बात करो। यस हाँ हेलो। क्या डेली मेल? अरे वामिंग की तुम तो बहुत लकी हो कि आज तुम्हें भी एक मेल मिला है, तो आज पूरे दिन सबको मुझे यस बोलना पड़ेगा। हाँ तुमने सही कहा। मुझे तुम्हारा लॉलीपॉप चाहिए। हाँ क्यों नहीं ये लो।
ओए मिंकी आगे देखकर चलो। उर्फी मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी, अब तुम्हें किस चीज की भीख चाहिए? मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी आईब्राउज उड़ा दो। ओके मिंकी जैसा तुम कहो। ओह माय गॉड गर्ल्स वो देखो उर्फी क्या कर रही है। स्टूडेंट्स तुम में से कुछ बच्चों को आज मेल मिला है तो बताओ किसको कौन सा मेल मिला है। सर मैं लोगों की 3 विशेस पूरी कर सकती हूँ। और मिंकी तुम्हें? सर मुझे कोई मेल नहीं मिला। मिंकी तुमने झूठ क्यों बोला, तुम्हें तो सबसे कूल मेल मिला। क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे मेल के बारे में किसी को पता चले, क्योंकि अगर वो सेम मेल उर्फी को मिल गया तो वो पक्का मुझसे बदला लेगी। तो मिंकी आज तुम्हें मेल में क्या मिला है? ये अभी भी लोड हो रहा है और तुम्हें? मैं दीवार के आर पार देख सकती हूँ। बाय द वे चिंता मत करो, कल जो तुम्हें मेल मिला था वो आज किसी और को नहीं मिला है। थैंक गॉड। और बहन की पकौड़ी ऐसे चुप क्या रही है? उर्फी क्या चाहिए तुम्हें? मुझे पता है कि कल के मेल में तुम्हें क्या मिला था, तुमने मुझसे मेरी आईब्रो शेव करवाई है ना, तो अब मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ कि तुम उस खिड़की से बाहर कूद जाओ। क्या? बिल्कुल नहीं। वेल तुम्हें मेरी बात सुननी होगी क्योंकि आज वो मेल मुझे मिला है। एक न्यू फोन, भला एक फ्री के फोन के लिए कौन मना करेगा। हाँ ये मेरी दादी और दादू में से किसी एक को चूज करने को क्यों बोल रहा है? दादू फाइनली मेरे पास एक न्यू फोन है, अब मैं दादू के साथ यूट्यूब पर वीडियोस बना सकती हूँ। मिंकी जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें दादा दादी के घर जाना है। पर अचानक क्यों? क्योंकि तुम्हारे दादाजी की तबीयत बहुत खराब है और वो किसी भी वक्त भगवान को प्यारे हो सकते हैं। पर आज सुबह ही मेरी उनसे बात हुई थी और वो तो बिल्कुल ठीक थे। एक न्यू कार, हाँ क्यों नहीं। हाँ आखिर इन चॉइसेस का मतलब ही क्या है, डैड या मिंकू? मम्मी क्या आपको पता है मुझे एक न्यू कार मिली। मम्मी आप रो क्यों रही हैं, कुछ हुआ है क्या? बेटा हमारी फैमिली खतरे में है, पहले तुम्हारे दादाजी और अब तुम्हारा भाई भी। ओह माय गॉड ये सब उन फ्री गिफ्ट्स की वजह से हुआ है, मुझे अपने दादाजी और भाई की बहुत याद आ रही है। क्या मैं अपने दादाजी और भाई को वापस ला सकती हूँ? थैंक गॉड। क्या उन्हें वापस लाने के लिए मुझे अपनी जान देनी होगी? ये सब मेरी वजह से हो रहा है तो इसकी सजा भी सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए। लोग मुझे देख नहीं सकते या लोग मुझे सुन नहीं सकते, अगर मैं ये चूज करती हूँ कि लोग मुझे देख नहीं सकते तो मुझे पता चलेगा कि लोग असल में मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मिंकी दोपहर के 12 बज रहे हैं, क्या आप अपने बेड से उठने का कष्ट करेंगी? हाँ मम्मी मैं यही तो हूँ। हाँ ये किसने बोला? अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी कि मुझे कोई देख नहीं सकता। हे भगवान मेरे कान बजने लगे हैं, मुझे अपना मुंह बंद ही रखना चाहिए। क्या मैं इतनी जल्दी बुढ़ी हो गई हूँ, बुढ़ापे की वजह से मेरे कान बजने लगे हैं? मिंकी के पापा। रिया क्या तुम वो सब सामान ले आई हो? हाँ, यही सही वक्त है ये पता लगाने का कि मेरे फ्रेंड्स मेरे पीठ पीछे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। पर रिया ये मिंकी है कहाँ? पता नहीं, पर चलो अच्छा है कि वो यहाँ नहीं है, हम उसे किसी भी कीमत पे पता नहीं चलने दे सकते कि हम उसके साथ क्या करने वाले हैं। क्या गाइस तुम लोग मुझसे क्या छुपा रहे हो? माय गॉड रिया लगता है मिंकी ने सब सुन लिया। ओ शट अप आयशा मिंकी यहाँ नहीं है। पर मैंने उसकी आवाज सुनी। वो बस तुम्हारा वहम होगा, अब चलो जल्दी वहाँ चलते हैं, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। फाइनली हम लोकेशन पे पहुंच गए, अब हमें उस बिल्डिंग के अंदर जाना है, चलो मुझे उनके पीछे पीछे जाना होगा। हाँ ये कौन सी जगह है और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये वही जगह है जो मैं हर रोज अपने सपने में देखती हूँ? आयशा ये देखो फाइनली हमारा काम हो गया। मेरी एज क्या है मैं तुम्हें क्यों बताऊँ? मजाक कर रही हूँ, 18। मेरे कितने भाई बहन है? 2। इतने आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ऐसे तो मैं इस टेस्ट में आराम से पास हो जाऊंगी। मेरे भाई का फेवरेट बिस्किट कौन सा है? वो एक बिस्किट खाता तो रहता है, उसका नाम क्या था? एक काम करती हूँ घर जाके उसी से पूछ लूंगी। मिंकू ये तुम क्या खा रहे हो? ओरियो बिस्किट। मुझे मेरा ओरियो वापस करो। मैं एक ले लूँ? नहीं मुझे वापस दो। मैंने तो ले लिया। मेरे इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हैं? ये मेरा मजाक बनाना चाहते हैं क्या? मेरे इंस्टाग्राम पे पूरे 100 फॉलोअर्स हैं। अरे 101 हो गए। हाँ मैं इतनी खुश क्यों हो रही हूँ। मेरी बेस्टी की फेवरेट ड्रिंक क्या है? 4 बोतल वोडका काम उसका रोज का। हाँ तो पानी? एप्पल जूस। तो फिर उसे क्या पसंद है? एक काम करती हूँ उसी से पूछ लेती हूँ। रिया तुम्हें पीने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? खून। खून? मैं तो मजाक कर रही थी मिंकी। पिसाचनी। अब आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको पीने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? ऐसी कौन सी चीज है जो टूटने के बाद ज्यादा यूजफुल होती है? एक रबर बैंड। गलत जवाब लड़की, अब तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। हाँ चलो। नहीं मिंकी बेटा इसका जवाब अंडा होगा, जल्दी से अंडा बोलो। अंडा। क्योंकि तुम अभी छोटी हो इसलिए हम तुम्हें इस बार जाने दे रहे हैं। मिंकी तुमने अंडा क्यों नहीं बोला जबकि तुम्हें ये पता था? क्योंकि मैं चाहती थी कि वो लोग मुझे अपने साथ ले जाए, मुझे आपके साथ नहीं रहना मॉमी। मिंकी जब वो तुम्हें अपने साथ लेके जाते हैं तब तुम्हें वो एक गुलाग में रखते हैं। एक गुलाग? वो क्या होता है? एक ऐसी जगह जो पूरी बर्फ से बनी है और वहाँ बहुत ठंड होती है, वहाँ तुमसे इतना काम कराएंगे कि तुम जिंदा नहीं बचोगी। मिंकी मिंकी प्लीज मेरे रिडल को कंप्लीट करने में मेरी हेल्प करो, ऐसी कौन सी चीज है जो पहले ऊपर जाती है फिर नीचे आती है? मुझे नहीं पता, शायद एक हॉर्स। एक हॉर्स? गलत जवाब, तुम्हें हमारे साथ गुलाग चलना होगा। इसका आंसर था एज। मिंकी ये तुमने क्या किया? याद है कैसे तुमने एग्जाम में मेरे आंसर छापे थे और पकड़े जाने पे तुमने मुझे ही फंसा दिया था कि मैंने तुम्हारी चीटिंग की है? गुलाग में मजे करने आशा डार्लिंग। नहीं मम्मी मैं घर आ गई। मम्मी? हाँ एक नोट। मिंकी तुम जानबूझकर एक रिडल का गलत जवाब दो, मुझ पर भरोसा रखो, तुम्हारी
मम्मी मुझे यकीन नहीं होता कि मेरे पास ये पावर है, ये कितना कूल है। मम्मी पापा क्या आप दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते हो? हाँ मिंकी मैं तुम्हारे पापा से प्यार करती हूँ। पर मैं नहीं करता क्योंकि मेरा पड़ोस वाली शीला से डाका बीड़ा है। क्या कहा? पापा तो आज कहे काम से। मिंकी के पापा आपकी ज्यादा पन शीला के साथ करना चाहते हैं क्योंकि मैं आपको अभी बताती हूँ। ओए मिंकुड़ी, मिंकी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। क्या है रोहन, क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सकते हो? तुम हमेशा मुझे बोली क्यों करते रहते हो? क्योंकि मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। क्या तुम मुझे पसंद करते हो? यू कभी नहीं। मिंकी क्या तुम मुझे 20 रुपए उधार दे सकती हो? फिर से मिंकी पर मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे पैसों को लौटा दूंगी। मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। मिंकी तुम्हें एक न्यू हेयर कट की जरूरत है, तुम्हारे बाल किसी चिड़िया के घोंसले जैसे दिखते हैं। आप मजाक कर रहे हैं ना ठंडे सर? खैर मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे एक काम है। ये न्यू स्टूडेंट रोहन है, क्या तुम इसे पूरा स्कूल दिखा दोगी? हाँ क्यों नहीं। और ये हमारी कैंटीन है। वाह तुम्हारा स्कूल काफी बड़ा और सुंदर है। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, और तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, वैसे भी मुझे यहाँ तुम्हें किडनैप करने के लिए भेजा गया है। क्या मिंकी तुम्हारे सोलमेट ने तुम्हारा नाम कितनी बार बोला है? 0 टाइम्स। क्या सच में? हाँ, और तुम्हारे सोलमेट ने? मेरे सोलमेट ने मेरा नाम 15 टाइम्स बोला है। वाह तुम कितनी लकी हो। नहीं मिंकी तुम लकी हो कि तुम्हें किसी न्यू पर्सन से मिलने का मौका मिलेगा। कम से कम तुम्हें जगह जगह जाके अपने सोलमेट को ढूंढना नहीं पड़ेगा, इससे पता चलता है कि तुम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हो। तुम्हारे लिए अपने सोलमेट को ढूंढना इजी होगा। मिंकी तुम्हारे भाई ने एक माफिया गैंग ज्वाइन की है, तो तुम केयरफुल रहना। क्या एक माफिया गैंग? हाँ, और मैं एक अर्जेंट काम से दूसरी सिटी जा रही हूँ, तो तुम अपना ख्याल रखना। क्या आप मुझे यहाँ उसके साथ अकेला छोड़ के जा रही है? हाँ मिंकी तुम्हें अपने भाई पे नजर रखना होगा। मॉम डरो मत मिंकी, कुछ नहीं होगा, तुम बस दरवाजा मत खोलना। चिंकू मम्मी आउट ऑफ टाउन गई है, हमें घर का ख्याल रखना होगा, तो तुम प्लीज अपने किसी माफिया फ्रेंड को घर लेकर मत चले आना। ओह तुम कितना ज्यादा बोलती हो, मैं वैसे भी नहीं लाने वाला था। हाँ इतनी रात में कौन आया है? कौन है? हैंड्स अप। रुक जाओ गाइस, इसको शूट मत करना। सॉरी स्वीटी तुम्हारा नाम क्या है? मिंकी। वेल तुम्हारे भाई ने हमें धोखा दिया है, इसलिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। मिंकी टिमी हम सबकी बॉडी पर ये मार्क क्यों है? मिंकी उस मार्क का मतलब है जब तुम अपने सोलमेट से पहली बार मिलोगी तो उसका पहला टच वहाँ पर होगा, और जैसे ही तुम और तुम्हारा सोलमेट एक दूसरे को टच कर लोगे ये रेड मार्क गायब हो जाएगा। देखो मेरा मार्क मेरी नाक पर है, इसका मतलब है कि मेरी सोलमेट मुझे पहली बार नाक पर टच करेगी, और मेरा मार्क मेरी मुट्ठी पर है। टिमी चलो देखते हैं कि कहीं हम दोनों तो सोलमेट्स। हाँ टिमी टिमी तुम जमीन पर क्यों सो रहे हो? मिंकी तरा ये देखो मेरा मार्क गायब हो गया। वाओ तुम बहुत लकी हो, मुझे भी अपने सोलमेट से मिलना है। मुझे लगता है कि मुझे स्कूल में हर लड़के को मुक्के मार के देखना चाहिए कि मेरा सोलमेट कौन है। बिल्कुल नहीं मिंकी, तुम ऐसे हर लड़के को मुक्के नहीं मारती फिर सकती, और वैसे भी मैंने तुम्हारे लिए स्कूल के हर लड़के के साथ स्पीड डेटिंग अरेंज की है। हे ब्यूटीफुल, तो तुम्हारा नाम क्या है? तुमसे मतलब तुम मेरे सोलमेट नहीं हो। नेक्स्ट। हाय मैथ्स में तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट। थैंक गॉड। नेक्स्ट। हाय मेरा नाम। तुम्हारे नाक के अंदर मकड़ी घुसने वाली है। मुझे मकड़ियों से बहुत डर लगता है। सीधे खड़े रहो। थैंक्स। हाँ तुम्हारा मार्क। हाँ टू ऑप्शंस, ये क्या है? 5 रुपए या बेटर ऑप्शन? हाँ 5 रुपए का मैं क्या करूँगी, बेटर ऑप्शन। मिंकी तुम्हें पता है मुझे एक अपार्टमेंट मिला है। एक अपार्टमेंट? मुझे लगा था कि हमें सिर्फ छोटे मोटे ऑप्शंस मिलते हैं। क्यों तुम्हें क्या मिला मिंकी? मैंने अभी तक इसे एक्सेप्ट नहीं किया है क्योंकि मुझे 5 रुपए मिल रहे थे। ओह इसका मतलब यह है कि अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस ही बाकी है, अगर तुमने उन दोनों ऑप्शन में से भी किसी ऑप्शन को चूज नहीं किया तो तुमसे कुछ छीन लिया जाएगा। क्या? आई होप इस बार मुझे एक बेटर ऑप्शन मिले। एक रबर बैंड या बेटर ऑप्शन? क्या वो रबर बैंड सोने का बना होगा? हाँ बेटर ऑप्शन। मैं अपने ऑप्शन से खुश नहीं थी, पर क्या करूं? ये आयशा किस बारे में बात कर रही है? जो कार उसे चाहिए थी वो उसे नहीं मिली। क्यों उसे कौन सी कार मिली है? एक फरारी जो कि मुझे चाहिए थी। लालची कहेगी इतनी अमीर होने के बाद भी इसको हमेशा कमी ही रहती है। क्या तुम लोग मेरे बारे में बात कर रहे थे? शाटा आयशा। तुम दोनों सहेलियां बस मुझसे जलती ही रहती हो। मैं तुमसे कोई जलती वलती नहीं हूँ। आई होप मेरा लास्ट ऑप्शन अच्छा हो क्योंकि ये मेरा लास्ट चांस है। आयशा के पेरेंट्स का घर या नन? मिंकी बेटा ऐसा नहीं करते, चलो अपने डैडी को वापस उठाओ। नहीं अब मुझे वो नहीं चाहिए। आउच मम्मी मेरे तेल में दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि मिंकी अगर तुम्हें कोई कुछ करने को बोलता है तो तुम्हें वो करना ही होगा। तुम एक कर्ज के साथ पैदा हुई थी कि अगर तुम लोगों की बात नहीं मानोगी तो तुम मर सकती हो। ओके मम्मी मैं इसे अभी उठाती हूँ। मिंकी बेटा ध्यान रहे, किसी को तुम्हारे कर्ज के बारे में पता ना चले वरना लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। अगर सबको ये पता चल गया कि तुम्हें उनकी हर बात माननी होगी तो लोग तुमसे वो काम भी करा सकते हैं जो तुम नहीं करना चाहोगी। क्या तुम समझ गई? यस मम्मी मैं समझ गई। मिंकी अपना लंच मुझे दे दो। रिया मिंकी मैं तो बस मजाक कर रही थी, अपना लंच वापस ले लो। कम ऑन मिंकी, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारे कर्ज का फायदा कभी नहीं उठाऊंगी। मुझे पता है रिया, इसलिए मेरे फैमिली के अलावा सिर्फ तुम ही हो जिसको मेरे कर्ज के बारे में पता है। मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पास तुम्हारे जैसे एक फ्रेंड है जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ। मिंकी अपने सारे पैसे मुझे दे दो। ओके टिमी। मिंकी अब तुम गोल गोल घूमो। अब घूमना बंद करो। रिया झूठ नहीं बोल रही थी, मिंकी को सच में वो सब करना पड़ेगा जो हम उससे बोलेंगे। मिंकी फ्रीज। ठीक है अब तुम यही खड़ी रहना और यहाँ से कहीं मत जाना। बाय बाय मिंकी।
गाइस प्लीज मुझे यहाँ से अकेले छोड़ के मत जाओ। मैं ये देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि मुझे कौन सा लिप कलर मिला है। हाँ न्यूट मम्मी मुझे कोई लिप कलर क्यों नहीं मिला? मिंकी बेटा इसका मतलब ये है कि तुम्हारा कोई सोलमेट नहीं है। क्या मेरा कोई सोलमेट नहीं है? इसका मतलब मेरी कभी शादी नहीं होगी। पैनिक मत हो मिंकी, ये लो और इस लिपस्टिक को लगा लो। मम्मी क्या ये रियल लग रहा है? हाँ परफेक्ट। ठीक है अब मैं स्कूल जा रही हूँ। हाय गाइस तुम लोगों को कौन सा लिप कलर मिला है? मुझे येलो कलर मिला है जिसका मतलब है कि मेरा सोलमेट बिल्कुल बौना है। मुझे रेड कलर मिला है जिसका मतलब है कि मेरा सोलमेट बिल्कुल परफेक्ट है। मुझे भी रेड कलर मिला है, मैं अपने सोलमेट से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड। ज्यादा खुश मत हो मिंकी, अभी तक तुम्हारा किसी ऑब्स्टिकल से सामना नहीं हुआ है। तुम्हारा मतलब क्या है? आने वाले टाइम में वो तुम्हें पता चल जाएगा। वाह मिंकी तुम्हारा लिप कलर तो बहुत अच्छा दिख रहा है। मेरे लिप्स नेचुरली रेड हैं सर। पर क्लास के वक्त तुम्हें एक मास्क पहन के रखना होगा। स्टूडेंट्स जो कोई भी अपना मास्क साथ लेकर नहीं आया है वो मेरे टेबल से एक मास्क ले सकता है। पर अगर इस मास्क की वजह से मेरी लिपस्टिक हट गई तो सबको पता चल जाएगा कि मैंने अपने लिप कलर के बारे में झूठ बोला है। मिंकी जल्दी से अपना मास्क पहन लो और अपनी सीट पे जाओ। यस सर। हाँ अचानक से मेरे लिप्स में अजीब क्यों फील हो रहा है? स्टूडेंट्स क्लास ओवर हो चुकी है, अब तुम सबको अपना मास्क उतारना होगा। लेट ट्रूथ और लाए, मैं से नहीं खेलूंगी। मुझे कभी पता नहीं चलता कि लोग मुझसे कब झूठ बोल रहे हैं। तुम्हें इसे खेलना ही होगा मिंकी, हम सब इसे खेल रहे हैं ताकि हम अपने सोलमेट से मिल पाएं। अच्छा ठीक है, वैसे भी ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? मेरे सोलमेट की आईज ग्रीन है। ट्रूथ और लाए, आई रियली होप कि उसकी आईज ग्रीन हो क्योंकि मुझे ग्रीन आईज बहुत पसंद है। Yes, मैंने सही आंसर दिया। ये तो अनफेयर है, मैं इसका सही जवाब नहीं दे पाई। हाँ इसमें मेरी ही तो गलती है। नहीं मेरे सोलमेट की हाइट 6 feet से कम है। ट्रूथ और लाइ, आई होप ये सच ना हो क्योंकि मैं चाहती हूँ कि उसकी हाइट 6'3" हो। अरे यार ये तो बौना निकला। हाँ तो सही तो है, बौना और बौनी की जोड़ी। मेरे सोलमेट के बाल रेड है। ट्रूथ और लाइ, आई होप सो, ऐसे में उसे आसानी से ढूंढ पाऊंगी। Yes, अब मुझे बस एक ऐसे इंसान की तलाश है जिसके पीछे सांड दौड़ रहा हो। मिंकी मैंने सुना है कि रेड बाल वाले लोग रेड फ्लैग होते हैं। अगर वो एक रेड फ्लैग है तो मुझे भी एक चटक लाल फ्लैग बनने में टाइम नहीं लगेगा। ओ माय गॉड मिंकी क्या तुमने ये न्यूज देखी? नहीं क्या हुआ? शहर की सभी पुलिस एक अंकल को ढूंढने में लगी है जिसने बहुत बड़ा कांड कर दिया है, जिसकी हाइट 5'11" है, बाल रेड और आईज ग्रीन। क्या एक डॉक्टर बाय या बिलियनेयर और बेकर, इसमें पूछने की क्या बात है? पैसा गाड़ी महंगा घर। हाय माय गॉड, उन लोगों ने हमें इतनी बदसूरत चाइल्ड सेंड की है। और तुमने ये क्या पहन रखा है? जी 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 जी, जी। मुझे भी नहीं पता। जाओ जल्दी से जाकर इसे पहन लो। ये तो बहुत एक्सपेंसिव लगता है। हाँ ये तुम्हारे ठेले वाले कपड़ों से बेटर है। अब तुम ठीक ठाक लग रही हो। और ये है तुम्हारा पर्सनल असिस्टेंट पोपटलाल। इस घर में मुझे एक पर्सनल असिस्टेंट भी मिलेगा? हाँ तुम इससे जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। क्या सच में? हाँ तुम इससे खुद ही कुछ मांग कर देख लो। पोपटलाल क्या मुझे एक आईफोन मिल सकता है? समझो मिल गया, ये रहा आपका आईफोन। तुम इसे इतनी जल्दी ले आए पर तुमने ये कैसे किया? हम सब इतना ही फास्ट काम करते हैं मिस। तो मिंकी अब बस मेरा एक रूल है जो तुम्हें हमेशा फॉलो करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए पर तुम कभी मेरे ऑफिस के अंदर नहीं जा सकती। पर मैं आपके ऑफिस में क्यों नहीं सकती टकलू डैड? मुझसे कोई सवाल जवाब नहीं। ठीक है नो ऑफिस, समझ गई। ये आवाज कैसी है? ये आवाज तो ऑफिस से आ रही है। मिंकी तुम्हारे सोलमेट के शर्ट का कलर क्या है? ब्लैक। और तुम्हारे? मेरे सोलमेट ने पिंक शर्ट पहनी हुई है तो मेरे लिए उसे ढूंढना बहुत इजी होगा। तुम बहुत लकी हो। और तुम बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ ऑलमोस्ट हर लड़के ने ब्लैक शर्ट पहनी हुई है। ओ माय गॉड उसने अपनी शर्ट चेंज कर ली, अब मेरे लिए उसे ढूंढना बहुत इजी हो जाएगा। हाय मिंकी। हाय राहुल, कल तुमने अपना स्क्रंची ट्यूशन में ही छोड़ दिया था, ये लो। ओ माय गॉड ये मेरी फेवरेट स्क्रंची है, इसका ध्यान रखने के लिए थैंक यू सो मच राहुल। ओ माय गॉड क्या हुआ मिंकी? कुछ नहीं, वो बस मैं कह रही थी कि ये रेड शर्ट तुम पे बहुत अच्छी लग रही है। ओह थैंक्स रिया, मुझे लगता है कि राहुल मेरा सोलमेट है। ओ माय गॉड वो तो तुम्हारा क्रश है ना? हाँ ये तो अजीब है। क्या हुआ मिंकी? कुछ खास नहीं। खैर आज मैं तुम्हें अपने न्यू बॉयफ्रेंड से मिलवाना चाहती हूँ। हाँ क्यों नहीं। मिंकी ये है मेरा बॉयफ्रेंड मानव, मानव ये है मेरी बेस्टी मिंकी। हाय ये शर्ट तुम पे बहुत अच्छी लग रही है, लड़के जल्दी पिंक कलर नहीं पहनते। वेल ये शर्ट मुझे मजबूर में पहननी पड़ी क्योंकि आज सुबह जो मैंने ब्लैक शर्ट पहनी थी उस पर चाय गिर गई थी। क्या क्या तुमने आज कोई रेड शर्ट भी पहनी थी? हाँ पर तुम्हें कैसे पता? हाँ पर उस शर्ट पे कौवे ने पॉटी कर दी थी इसलिए मुझे उसे भी चेंज करना पड़ा। मुझे समझ नहीं आता कि आप मुझे एक जिराफ क्यों नहीं पालने देती, वो कितने क्यूट होते हैं। मिंकी हमारे घर में एक जिराफ को पालने जितनी जगह नहीं है। सोलमेट लाइक शॉर्ट गर्ल्स और टॉल गर्ल्स। ओ हाँ तुम्हें अपने सोलमेट से मिलने के लिए 10 सवालों के सही जवाब देने होंगे। 10 सवालों के सही जवाब देने होंगे पर मुझे मेरी पूरी लाइफ में आज तक टेस्ट में 2 नंबर से ज्यादा नहीं मिले होंगे। हाँ वो तो मुझे पता है। आई होप तुम्हें शॉर्ट गर्ल्स पसंद हो क्योंकि मैं 5'3" हूँ। मेरा सोलमेट पैसे और प्यार में से क्या चूज करेगा? आई होप वो प्यार चूज करे क्योंकि मेरे बैंक में फुटी कौड़ी भी नहीं है। और करो फिजूल खर्चे। मम्मी आपको तुरंत मुझे इसी वक्त लॉटरी टिकट दिलानी होगी। उसका क्या फायदा, वैसे भी तुम हारने ही वाली हो। अरे क्या पता मेरी किस्मत चमक जाए। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे सोलमेट को तुम पसंद आओगी। अरे ऐसे कैसे, मैं अपनी फेवरेट हूँ और उसकी भी बन जाऊंगी। मेरे सोलमेट को गोल्ड ज्यादा पसंद है, डायमंड मुझे डायमंड पसंद है और वो मेरा सोलमेट है तो ऑफ कोर्स उसे भी डायमंड ही पसंद होगा। हाँ फाइनली मैंने एक सही आंसर दिया। हाँ जिंदगी में पहली बार। तो मेरा सोलमेट कैसल में रहता है या एक अपार्टमेंट में? ऑब्वियसली अपार्टमेंट में। देखा इसे भी पता चल गया कि मेरे पास कम दिमाग है, इसलिए मुझसे इजी क्वेश्चन पूछ रहा था कि मैं गलत जवाब ही ना दूं। ओह शिट
क्या ब्रिंग बैक मम्मी, ये क्या है? मिंकी, इसका मतलब ये है कि तुम अपने दोनों ऑप्शन में से किसी एक को वापस ला सकती हो जो अब तुम्हारे साथ नहीं है। ओह माय गॉड, ये तो बहुत अच्छा तरीका है अपनी खोई हुई चीजों को वापस पाने का। पर ध्यान रहे मिंकी, क्योंकि दोनों ऑप्शन में से जो ऑप्शन तुम चूज नहीं करोगे तुम उसे हमेशा हमेशा के लिए खो दोगी। चिंता मत करिए मम्मी, मैं ध्यान रखूंगी। तो मुझे मेरा टेडी बियर वापस मिल सकता है या मेरी डायरी? मैं चूज करना चाहती हूँ मेरा टेडी बियर, क्योंकि वो मेरे डैड की आखिरी निशानी थी। ओह मिंकी, तुम्हें तुम्हारा टेडी बियर वापस मिल गया? पर मम्मी, ये इतने टाइम से कहाँ था? वो मिंकी, इस पे हमारी बिल्ली ने पॉटी कर दिया था तो मुझे इसे फेंकना पड़ा था। ब्रिंग बैक ट्विन सिस्टर और डैड, पर मैं इन दोनों से ही कभी नहीं मिली। मिंकी बेटा, अपनी ट्विन सिस्टर को चूज करो, जब तुम छोटी थी तब वो गुजर गई थी। और डैड, उनके साथ क्या हुआ था? कुछ नहीं मिंकी, अब जाओ जल्दी से स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। सॉरी ट्विन सिस्टर, पर मुझे सच का पता लगाने के लिए करना ही पड़ेगा। अरे शर्मा अंकल, आप यहाँ क्यों आए? रिया तो आज मेरे घर खेलने नहीं आई। हेलो मिंकी, मैं तुम्हारा फादर हूँ। क्या मिंकी, तुम्हें कच्ची मैगी खाना बहुत पसंद है ना? हाँ। ये लो, मैं तुम्हारे लिए ये लाया हूँ। ओह मेरी फेवरेट मैगी, थैंक यू जिमी। रुक जाओ मिंकी, तुम बिना सिरी से परमिशन लिए इसे नहीं खा सकती। ओह हाँ, मैं तो इसके बारे में भूल ही गई थी। हे सिरी, क्या मैं ये मैगी खा लूँ? नहीं, तुम नहीं खा सकती। ओह ये सिरी मुझे कभी किसी चीज के लिए यस नहीं बोलती, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। ओह नो मिंकी, ऐसा मत बोलो, वो तुम्हें सुन सकती है। हाँ तो सुन ले, मैं इसे डरती नहीं। ओए मिंकी, तुम्हें पता है करण राहुल से कह रहा था कि वो आज तुम्हें डेट के लिए पूछने वाला है। ओ माय गॉड, क्या तुम सीरियस हो? मुझे 7th क्लास से करण पे बहुत बड़ा क्रश है। देखो देखो, वो आ गया। हाय मिंकी। ओ हाय करण, क्या तुम आज मेरे साथ कॉफी पीने चलोगी? हाँ। हे सीरी, क्या मैं प्लीज करण को हाँ बोल सकती हूँ? नहीं सॉरी करण, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। ओह नो, वो देखो करण के गले में पेंसिल अटक गई है। ओह माय गॉड, मुझे उसकी हेल्प करनी होगी। रुक जाओ मिंकी, पहले तुम्हें सीरी से पूछना होगा। हे सीरी, क्या मैं प्लीज करण की हेल्प कर सकती हूँ? नहीं तुम नहीं कर सकती। व्हाट, उसे मेरी हेल्प की जरूरत है और मैं उसकी हेल्प करूंगी। थैंक गॉड करण, तुम ठीक हो। तुमने सीरी को डिसोबे किया है, अब तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। चलो हमारे साथ। नहीं छोड़ो मुझे। मैं कंट्रोल कर सकती हूँ कि मेरा सोलमेट कब क्या खरीद सकता है और क्या नहीं। ऑफ कोर्स मैं ये करना चाहूंगी। क्या मेरा सोलमेट एक कंट्री खरीदना चाहता है? पर एक कंट्री को खरीदना इम्पॉसिबल है। मिंकी, हो सकता है कि वो कोई गेम खेल रहा हो। हाँ तुम ठीक कह रही हो। क्या अब वो 10,000 मिल्क बॉटल्स खरीदना चाहता है? मिंकी, हो सकता है कि वो इतने सारे मिल्क बॉटल्स को गरीब बच्चों में दान करना चाहता हो। हाँ तुम ठीक कह रही हो। क्या अब मेरा सोलमेट 10,000 बेबी पैसिफायर्स खरीदना चाहता है? आखिर ये कर क्या रहा है? ब्रेकिंग न्यूज, 3 दिन पहले एक लड़के ने खरीदा एक कंट्री को, साथ ही साथ उसने 10,000 मिल्क बॉटल्स और बेबी पैसिफायर्स खरीद कर गरीब बच्चों में दान किया। वेट, जरूर ये मेरा सोलमेट होगा। चिंता मत करो मिंकी, मैंने काफी रिसर्च किया है और मुझे तुम्हारे सोलमेट के बारे में सब कुछ पता चल गया है। तुम्हारे सोलमेट के पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं रहे और जाने से पहले उन लोगों ने अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे सोलमेट के नाम कर दी थी। वो लोग काफी रिच थे। पर ये सब तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैंने सिस्टम को हैक किया है और मुझे उसका एड्रेस भी पता है। चलो जल्दी मेरे साथ। 1,00,000 रुपए या एक हेयर क्लिप? मैं चूज करूंगी एक हेयर क्लिप, क्योंकि जरूर ये मैजिकल हेयर क्लिप होगी। मिंकी तुमने पैसे ही चूज किया है ना? मेरा हाथ स्लिप हो गया था और मुझसे गलती से हेयर क्लिप चूज हो गई। ओह माय गॉड, तुम कितनी स्टूपिड हो। अरे मैंने कहा ना मेरा हाथ स्लिप हो गया था। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे झूठ बोल सकती हो? तो मिंकी तुम्हें कितने पैसे मिले? मैंने हेयर क्लिप चूज की है। क्या, पर क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि वो हेयर क्लिप मामूली नहीं होगी और मैं क्लास में उसे पहन के आने वाली हूँ। ओके 3, 2, 1। ओके तो चलो देखते हैं कि तुम क्या कमाल करके दिखाती हो। मिंकी तुम इस हेयर क्लिप में बिल्कुल जोकर लग रही हो। मैंने ये हेयर क्लिप 1,00,000 रुपए के बदले चूज की है। हाँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें इसे लगा कर रखना होगा। तुम हमेशा मुझे चिढ़ाते क्यों रहते हो? मुझे मिंकी बहुत पसंद है। क्या मैं तुम्हारी क्रश हूँ? ओह माय गॉड मिंकी, पर मैंने तुम्हें ये कब बताया? रिया मुझे पता चल गया है कि इस हेयर क्लिप की पावर क्या है। आई होप किसी को पता ना चले कि मैं स्कूल में फोन लेकर आई हूँ। ओह माय गॉड रिया, तुम स्कूल में फोन लेकर आई हो? ओह माय गॉड मिंकी, तुमने मेरा माइंड कैसे रीड किया? मम्मी मैं स्कूल से घर आ गई। मैं मिंकी को कभी पता नहीं चलने दे सकती कि वो मेरी रियल बेटी नहीं है बल्कि मैंने उसे किडनैप किया था। क्या? हे रुक जाओ। हाँ क्या मैं खुली आंखों से भी सपने देखने लगी हूँ या सच में इसका ने मुझसे बात की? हाँ तुमने सही कहा। रुक जाओ, मुझे गिराना मत, मैं तुम्हारा सोलमेट हूँ। नहीं तुम मेरा सोलमेट नहीं हो, तुम बस एक कैन हो। ये सब क्या हो रहा है? मुझे इस कैन से बाहर निकालने के लिए तुम्हें 5 टास्क को कम्प्लीट करना होगा। और अगर मैं ऐसा ना करना चाहूँ तो? तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा, मैं अपनी पूरी लाइफ इसी कैन में बंद नहीं रह सकता। अच्छा ठीक है, मैं इसे करूंगी। क्या मैं क्लास में सबके सामने खुद को शर्मिंदा करूं? मैं ये नहीं करने वाली। ड्रामा करना बंद करो, तुम्हें इसे करना ही होगा। तुम कितने मतलबी हो। स्टूडेंट्स जल्दी से सब लोग पेज नंबर 5 ओपन करो। पर मैम मेरे पास तो बुक ही नहीं है। मोए मोए मोए। मिंकी तुम पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रही हो। सॉरी मैम। मुझे यकीन नहीं होता कि किसी को समझ ही नहीं आया कि एक जोक है ना। मुझे लगा कि ये सुन के सब हंसने लगेंगे। हाँ मुझे भी। मैं कैन को देखकर क्यों स्माइल कर रही हूँ? मैं सच में पागल हूँ। मिंकी यहाँ से कुछ अजीब स्मेल आ रही है, पक्का तुम से ही आ रही होगी। आयशा तुम्हें पता है आज मैं स्कूल आ रही थी तो मैंने रोड पे एक सड़क छाप कुत्ता देखा था और उसने सेम तुम्हारी जैसी टॉप पहनी हुई थी। मिंकी यार तुम कितनी ऑसम हो। क्या मैं स्कूल से भाग जाऊँ? नो वे, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। प्लीज मिंकी अब तुम पीछे नहीं हट सकती। मैं अपने सोलमेट को कॉल करूँ या अपने फ्यूचर सेल्फ को? मैं अपने फ्यूचर सेल्फ को कॉल करूंगी क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि मेरा फ्यूचर कैसा होने वाला है। मम्मी मैं स्कूल जा रही हूँ। मिंकी अगर तुम्हारे ऑप्शन आ जाए तो अपने सोलमेट को कॉल करने का ऑप्शन ही चूज करना। पर मम्मी मैं अपने फ्यूचर सेल्फ को कॉल क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, पर बेहतर ये होगा कि तुम अपने सोलमेट को ढूंढो, इसलिए तुम उसे ही कॉल करना। ठीक है मम्मी।
मैं बहुत खुश हूँ कि आज मुझे अपने सोलमेट से बात करने का मौका मिलेगा। स्कूल में सबने अपने सोलमेट से बात करने का ऑप्शन चूज किया है। क्या सच में? हाँ मिंकी, और तुमने क्या चूज किया है? मैंने अपने फ्यूचर सेल्फ को कॉल करने को चूज किया है। ओह नो मिंकी, अपना ख्याल रखना, तुम्हें बहुत केयरफुल रहना होगा। केयरफुल रहना होगा? ये आयशा हमारा स्कूल छोड़कर दूसरे स्कूल में क्यों जा रही है? क्योंकि उसके फ्यूचर सेल्फ ने उसे कॉल करके बोला है कि वो दूसरे स्कूल में चली जाए ताकि वो एक डॉक्टर बन सके। ओह यस, अब बस कुछ ही सेकंड्स बाकी है। मिंकी पक्का तुमने अपने सोलमेट को ही कॉल करने को चूज किया है ना? यस मॉम। हेलो, लव चार्जर या हेट चार्जर? मम्मी इसका क्या मतलब है? इनकी ये चार्जर तुम्हें ये दिखाएंगे कि कौन तुमसे कितना प्यार और कौन कितनी नफरत करता है। क्या सच में? हाँ बेटा। फिर तो मैं हेट चार्जर चूज करूंगी। मैं अभी तो देखूं कौन मुझसे कितनी नफरत करता है। इनकी आज मैथ का टेस्ट है तो क्या तुम मुझे प्लीज आंसर दिखा दोगी? रिया क्या ये भी कोई पूछने की बात है? डोंट वरी, मैं तुम्हें सारे आंसर दिखा दूंगी। क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? पर तुम्हें कैसे पता चला? मैं तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ और तुम मुझसे नफरत करती हो? अब भूल जाओ कि मैं तुम्हें कोई आंसर दिखाऊंगी। तुम्हारे इसी एटीट्यूड की वजह से मैं तुमसे नफरत करती हूँ मिंकी। बस बहुत हुआ, एक तो इतने सालों से तुम मेरी वजह से पास हो रही हो और तुम मुझसे ही नफरत करती हो कुत्ती काई की। मिंकी ये लो, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आई हूँ। हाँ तुम तो मुझसे इतनी नफरत करती हो तो तुम मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक क्यों लेके आई हो? ओह तो तुम्हें पता चल गया, मैंने इसमें टकले होने की दवा मिलाई है क्योंकि मुझे तुम्हारे बालों से बहुत जलन होती है। पहली बात, तुम्हारी बुरी नजर का असर हो रहा है, मैं ऑलरेडी धीरे धीरे करके टकली हो रही हूँ। और दूसरी बात, अब मैं तुझे टकला करूंगी। इधर आ। क्या हुआ मिंकी, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। हाँ आखिर तुम सब मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? क्योंकि तुम्हारे अभी तक 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स नहीं हुए हैं। क्या गाइस, जल्दी से मेरे 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स करा दो ताकि सब मुझसे प्यार करने लगे।